ब्लड ग्रुपिंग, अरे इधर 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 फोकस्ड, जो सबसे पहला ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, एबीओ। ठीक, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जिसने दिया था उसको कहते थे कार्ल लैंडसिंगर। इसको इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था इसको। सेटल हो जाओ यार तुम लोग, पहले कॉपी वॉपी खोल लो। हाँ, कार्ल लैंडसिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दिया था। ये कहाँ पे होता है, उसके जो आरबीसी है उसमें आपने वर्ड सुना होगा एंटीजन। हाँ, वो एंटीजन एक टाइप का क्या है, मेरा सुगर है, जिसके थ्रू हमको प्लस पता चलता है वो कैसा टाइप का ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। तो एक होता है वर्ड एंटीजन और दूसरा वर्ड क्या होता है, हाँ, एंटीबॉडी। एंटीजन जो होता है उसको एग्लूटिनोजन कहते हैं, ए ग्लूटिनोजन कहते हैं। ठीक, और जो एंटीबॉडी होता है उसको एग्लूटिनिन कहते हैं। ठीक, ये पूरा ब्रीफ है फर्स्ट वर्ड ऐसा कुछ। अब उसको समझेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड स्लाइड में, केबीओ ब्लड ग्रुपिंग और बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है। जो एंटीजन है उसको एग्लूटिनोजन कहते हैं और जो एंटीबॉडी है उसको एग्लूटिनिन कहते हैं। लिख लिए, ये क्या है, एक आरबीसी है। ठीक, आरबीसी के ऊपर एक होता है ऐसा एच शेप का एक एंटीजन। ठीक, उसके ऊपर होता है मेरा एक सुगर जिसको कहते हैं नैग। नैग मीन्स एन गैलेक्टो, यार मैं कोई, चलो एन को कहते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोजैमाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजैमाइन। ठीक, इसके ऊपर ठीक होता है एक एंटीजन जो ए का है, ये ए है। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए ए ब्लड ग्रुप बनेगा, मेरा ए ग्रुप है। ठीक, ये ए ब्लड ग्रुप बनेगा, दूसरा बनाता हूं मैं। इसके ऊपर होगा एक ये एच एंटीजन। ठीक, उसके ऊपर एक होगा सुगर, ये जो सुगर है उसको गैलेक्टोज कहते हैं। ठीक, ए ब्लड के ऊपर कौन सा सुगर है,
एनएजी एन एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, और बी ब्लड ग्रुप है ये। इसके ऊपर जो एंटीजन होगा वो बी होगा, ठीक। तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ये बी, ठीक। एक और ग्रुप होगा जिसके ऊपर एच एंटीजन होगा, ना उसके ऊपर कोई भी सुगर नहीं होगा। तो सुगर नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन नहीं होगा, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक। ऐसा तुम तीन फेनोमिना है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाता मैं। और ऐसा कोई सुगर होगा, ऐसा कोई आरबीसी होगा जिसके ऊपर ए भी प्रेजेंट होगा, बी का भी सारे फॉर्म प्रेजेंट होगा, तो ये कौन सा बन जाएगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इन जेनेटिक्स, कोडोमिनेंस, वेरी गुड। दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म आई ए एंड आई बी, ठीक। अब एक सुगर होगा जो रेयर ब्लड ग्रुप है, वो कौन सा है, रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, कल पूछने आए थे मेरे से, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उसमें क्या होगा, ना कोई सुगर होगा, ना कोई सुगर होगा, नो सुगर, और ना ही एच एंटीजन होगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा मेरा, इसको कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हाँ क्या, अरे क्योंकि वो पहली बार वहां पे मिला था, ठीक। ये मेरा ए ब्लड ग्रुपिंग है। अगर मैं इसको जेनेटिक लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ए तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ। हाँ ठीक, ये मेरा ए ब्लड ग्रुप है, ये मेरा बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी है और सॉरी ओ है, और लास्ट वाला क्या है, ए बी है, और ये मेरा बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ठीक। समझ गए ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग कैसे होगा। अच्छा तुम लोगों को लिखना भी तो है, ये लिखो, ना कोई क्या बोला, एच एंटीजन रहेगा, हाँ सुगर नहीं रहेगा, तो कोई भी उसका एंटीजन नहीं रहेगा, ना एक एंटीजन ना बी का एंटीजन, तो ओ नेगेटिव तक तो पहुंचने थे पहले, अभी पॉजिटिव नेगेटिव का बात कहाँ की है।
लिख ली। हाँ, ए और बी में दोनों का रहेगा, सारा पार्टिकल्स रहेगा, ए का अलग से बी का पूरा सिस्टम। हाँ दोनों का शुगर रहेगा, ए अलग से है बी अलग से, इसलिए कोडोमिनेंस का एग्जांपल, मतलब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए कोडोमिनेंस कहते हैं इसको। कुछ नहीं रहेगा, ना शुगर रहेगा ना एंटीजन रहेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप। पार करो, ठीक, जो उसका एंटीजन है, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का मैं बात करूं, जो इसके एंटीजन है उसके आरबीसी पे प्रेजेंट है। ठीक, जो उसका एंटीबॉडी बनेगा उसके अगेंस्ट, एंटीबॉडी वो बनेगा प्लाज्मा में रहेगा। ठीक, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास कौन सा एंटीजन रहेगा, ए। उसके पास कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, एंटी बी। ठीक, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो यहां बी, और एंटीबॉडी अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो नील, और एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी। ठीक, और ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए और बी दोनों, एंटीबॉडी नील। यहीं पे एक पैरामीटर तुमको समझा दे रहा कि तुमको जो ब्लड क्लॉटिंग, जो सॉरी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मैकेनिज्म है उसमें क्या मेरे को डोनर जो है उसका क्या देख रहा है, मेरे को एंटीजन, और जो रेसिपिएंट है जिसको मिलने वाला है उसका मुझे देखना है एंटीबॉडी। हाँ, ये मैच नहीं होना चाहिए, अगर ये मैच हो गया, ठीक, किसी के एंटीजन एंटीबॉडी मिसमैच मैच हो गया तो क्या होगा, क्लंपिंग हो जाएगा, क्लंपिंग इन द सेंस क्लॉटिंग। ठीक, यही मैच करते हैं तो यहीं पे समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर ए बी, यूनिवर्सल डोनर इज ओ एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ये पूरा सिस्टम है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का। ठीक, इसी के साथ एक और, अब मुझे
आरबीसी जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है आरबीसी का, वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा? हाँ, जो ब्लड ग्रुपिंग है इन द सेंस ए बी ओ, कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे? एक तो मुझे मिल रहा है पहला आरबीसी में, है ना। दूसरा मुझे मुझे लगा ये किसमें? सलाइवा में। तीसरा मुझे मिलेगा ये सीमेन में। ये पूरा है, इस सब में मुझे क्या मिलेगा? एंटीजन। अरे तो वो पूरा प्रेजेंट है आरबीसी में, सलाइवा में मिक्स्ड आएगा, इसमें मिक्स्ड आएगा। मुझे क्वालिटी चाहिए ना भाई। लिखो अगर इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेम टू सेम, इसीलिए तो नहीं लिख रहा था ना। स्मार्ट हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड तो जानते हैं कहाँ होता है ना? हाँ जानते हैं कि नहीं एमनियोटिक फ्लूइड? हाँ नहीं, उसमें जिसमें एम्ब्रियो रहता है, जो है जिसमें वो जो सैक है उसमें रहता है। ठीक। अरे यार प्लासेंटा ना, ऐसे सब कुछ अलग अलग नहीं है। जो वोम रहता है वो इनक्लोज रहता है, और जिसपे वो इनक्लोज रहता है जो फ्लूइड में, वो उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड के कारण ही हम चेक कर सकते हैं मेल फीमेल, लेकिन वो इलीगल है। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड वो कहानी है। मेरे एक सीनियर है, वो रेडियो रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो उनके पास लोग फीमेल्स आके कहते हैं कि स्कूटी हुआ है या पल्सर हुआ है। गुड वर्ड। नहीं बताते हैं यार, इलीगल है। इसे बहुत नहीं, कुछ नहीं बताया जाता है। चलो जल्दी जल्दी आगे लिखो, हो गया ना। दूसरा जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, आरएच। ठीक। आरएच में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, जो एंटीजन प्रेजेंट रहता है, वो तीन टाइप का है। ठीक है। जो सबसे प्रोमिनेंट जो हमको जो देखना है जिसको, उसको कहते हैं सी। अगर सी प्रेजेंट रहेगा तो पॉजिटिव, और नहीं रहेगा तो नेगेटिव। मतलब कि प्रेजेंट रहेगा तो आरएच पॉजिटिव, नहीं रहा तो आरएच नेगेटिव।
इसी तरह इसी सी को ऐसे एक स्लाइड लिया जाता है जब तुम ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, है ना, उसमें से तीन बनाया जाता है ना, तो उसमें से तीन कलर का बनाया जाता है। जो सी सेगमेंट है, अगर वो क्लॉट कर गया, ग्रैन्यूल्स आ गया तो पॉजिटिव, नहीं आया तो नेगेटिव, ऐसे चेक किया जाता है ब्लड ग्रुपिंग पॉजिटिव नेगेटिव का। जी, ब्लेंडर हो गया भाई मेरे से, इसको डी कहते हैं। सी और डी और ई तीन सिस्टम है एंटीजन का। हाँ, डी को लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, जो लैब टेस्ट में करते हैं मोस्टली, ठीक। बाकी ये तीन एंटीजन है, तीनों के थ्रू चेक किया जा सकता है वो आर एस पॉजिटिव है पेशेंट या आर एस नेगेटिव है जो भी आदमी है ना। एंटीजन है लेकिन डी जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, आर एस पॉजिटिव है या आर एस नेगेटिव है। फॉर एन इंस्टेंट अगर किसी का ओ आया, ओ पॉजिटिव आया तो ओ पॉजिटिव बनेगा, वो ओ आया ओ नेगेटिव आया तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बनेगा। हाँ, उधर से ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग से ओ निकल गया, अब ओ में ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, समझे। अगर देखो इस तीनों में से किसी में क्लंपिंग नहीं हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी में भी शुगर नहीं था तो वो बना मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और ओ ग्रुप बना। अब यहाँ पे अगर यहाँ भी क्लंपिंग नहीं हुआ तो क्या बन गया, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ऐसा एक स्लाइड लेंगे, ब्लड का ड्रॉप लेंगे, तीनों में डालेंगे एक एक ड्रॉप, ठीक है, फिंगर में जो लिया जाता है, और तीनों में एंटीजन डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर क्लंप नहीं किया ए ब्लड ग्रुप, ठीक, तो कोई शुगर नहीं था उसमें, दूसरे में भी नहीं क्लंप किया, ए एंटीजन बी एंटीजन डालेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या डालेंगे, ए एंटीजन और बी एंटीजन, ए एंटीजन में डाला क्लंप नहीं किया, बी एंटीजन डाला क्लंप नहीं किया, मतलब कि उसमें कोई शुगर नहीं था, कोई एंटीजन नहीं था, जो शुगर नहीं एंटीजन नहीं मतलब कि ओ, ठीक, एच एंटीजन का बात नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक, ए और बी एंटीजन का बात हो रहा है। सो अगर मैं डाइन डाला तो क्या निकला, ओ ब्लड ग्रुप। अब उसके बाद जो है मैं डी के लिए क्या करूंगा, डी के लिए डी का उसके ऊपर डालूंगा एंटीजन, डी एंटीजन डालूंगा और तो भी क्लॉट नहीं किया, क्लंपिंग नहीं आया, तो क्या निकल गया ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव। ऐसा ही लैब्स में टेस्ट किया जाता है ब्लड ग्रुप 5 मिनट के अंदर। बॉम्बे रेड रेड ब्लड ग्रुप नॉर्मल लैब्स में चेक नहीं होगा, उसका एच एंटीजन है। अब एच एंटीजन का मेरे पास ये होना चाहिए, सीरम होना चाहिए, तो चार स्लाइड बनाऊंगा मैं। हाँ, उसमें ये आएगा ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ आएगा, तो टेस्ट कराना पड़ेगा जहाँ पे, जो ऐसे लैब्स में जाना पड़ेगा जहाँ एच एंटीजन, उसमें कोई बीमारी थोड़े ना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अरे भाई उसमें एच, अगर तुमको टेस्ट कराना पड़ेगा, एच एंटीजन होना चाहिए उस लैब वाले के पास, एच एंटीजन डालेगा, अगर वो क्लॉट किया नहीं क्लॉट किया पता चल जाएगा, है नहीं हुआ तो इतना सही पता चलेगा। एच एंटीजन सबसे क्लोज किसके आएगा, ओ नेगेटिव ओ ब्लड ग्रुप आया, तब तुम जाओ एच एंटीजन के लिए टेस्ट कराने के लिए। भाई अगर तुम्हारे पास ए ब्लड ग्रुप है तो एच एंटीजन का शुगर है, बी है तो एच एंटीजन का शुगर है, ठीक है, ओ है, तब तुमको इतना पता चल रहा है कि एच एंटीजन है नहीं है तो मैं बाद में टेस्ट कराऊंगा, ठीक। पर बॉम्बे वाले में तीनों डाल के देखते हैं, एच एंटीजन जालेंगे ना बॉम्बे वाले में। भाई जब मेरे को ऐसा उसमें कुछ पता नहीं चलेगा तब हम जाएंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए। लिख लिए इसको ना, हाँ लिखे, तो और ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है, हाँ? जो तीसरा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसको कील सिस्टम कहते हैं। ये भी एक टाइप है कील सिस्टम, ठीक। इसमें अपन को अगर कील सिस्टम पॉजिटिव है या नेगेटिव ऐसे पता चलेगा। अगर फॉर एन इंस्टेंट कील सिस्टम पॉजिटिव
एब्सेंट है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इतना ही है। अगर किल सिस्टम एब्सेंट है तो अपन को पता चलेगा कि पेशेंट का कुछ तो डिफेक्ट्स हो सकता है। जो कॉमन डिफेक्ट्स होता है किल सिस्टम एब्सेंट होने में, उसको एक तो है कार्डियक डिफेक्ट। ये जो टाइप्स है उसको मैक्लॉयड फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप वर्ड मतलब समझते हैं ना तुम? मैक्लॉयड फिनोटाइप। ठीक, इसको कहते हैं मैक्लॉयड फिनोटाइप। दूसरा क्या होगा, उसका जो आरबीसी है, उसके जो आरबीसी है उसके सरफेस पे क्या रहेंगे, स्पाइंस रहेंगे। तो क्या होगा, ज्यादा चांसेस क्या होने का है, हीमोलाइसिस होने का चांसेस ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा टूटेगा। हाँ लिखो। कील सिस्टम का जो एंटीजन सिस्टम है वो अगर एब्सेंट रहेगा तो पेशेंट को सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा दिक्कत होने वाला है उस आदमी को, उस बच्चे को, फॉर एन इंस्टेंट। आरबीसी के ऊपर स्पाइन्स आएंगे, स्पाइन समझ जाना भाई। हाँ ऐसा नहीं है भाई, कील सिस्टम का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है मेडिकल कॉलेज इस लेवल तक में, इतना ही, इतना भी बहुत ज्यादा है, 1000 times ज्यादा है तुम लोग का इस लेवल के हिसाब से। लिख लिए और सिस्टम नहीं ना है तो बहुत सारे। पी सिस्टम, पी सिस्टम्स में क्या हो जाता है, पेशेंट के साथ जो है उसको हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं, मतलब कि यूरिन में क्या आना, ब्लड आना। ऐसा सिस्टम मोस्टली उनके साथ होगा जब ई कोलाई वायरस अटैच्ड होगा या पावो B19 वायरस अटैच्ड होगा तब। हैं बने बने और डफी सिस्टम। डफी सिस्टम से के साथ चलो खत्म कर देते हैं यार। पी वायरेक्स का जो वायरस, पी वायरेक्स जो मलेरिया है, इसका जो रिसेप्टर है वो किसके साथ रहता है, डफी सिस्टम के साथ। तो क्या होगा, पी वायरेक्स प्लाज्मोडियम वायरेक्स के साथ कौन सी बीमारी होता है, मलेरिया। कौन सा, पीएच? हाँ, पीएच सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, इतना काफी है ना, पक्का? कॉग्यूलेशन कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, कहीं भी अगर तुमको चोट लगा, ठीक है, तो वहां इंजर्ड साइट बनेगा एक, तो वहां मैक्रोफेजेस आएंगे, WBC आएगा, ये वो आएगा, और वहां पे साथ साथ ब्लड के साथ क्या आएगा, प्लेटलेट आएगा। तो इंजर्ड साइट जो मैक्रोफेजेस सिस्टम है वो क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इधर से प्लेटलेट क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम के प्रेजेंट में वो किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, थ्रोम्बोकाइनेस। जैसे थ्रोम्बोकाइनेस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वो क्या कर देगा, हाँ, हेपेरिन का इनएक्टिवेशन कर देगा उस साइट, स्पेसिफिक साइट में ना, पूरे सिस्टम में नहीं, उस स्पेसिफिक साइट में हेपेरिन को स्टॉप करेगा काम करने से। जब हेपेरिन काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन
एक्टिवेट करके क्या, किसको एक्टिवेट करेगा? थ्रोम्बिन फेज में जाएगा। थ्रोम्बिन किस में जाएगा? फिब्रिनोजन में जाएगा। फिब्रिनोजन फिब्रिन में आएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को एक साथ कैसल की तरह कनेक्टेड है, इसीलिए इसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 13 क्लॉटिंग फैक्टर का जरूरत है, साथ साथ कैल्शियम का जरूरत है। प्रोथ्रोम्बिन अपना सही से काम करे उसके लिए विटामिन के का जरूरत है, इसलिए विटामिन के को कोग्यूलेशन, के फॉर कोग्यूलेशन भी कहते हैं, ठीक है। खत्म।